Smash that subscribe button and the notification bell to get notified about every cricket update. So hey there, welcome back guys again in another interesting video. IPL 2019 ka schedule ka bahut dino se wait kiya ja raha tha, bahut dino se yaar IPL ka schedule aa hi nahi raha tha, date aage hi badhti ja rahi thi, par ab finally IPL ka schedule aa chuka hai. Ji yaar guys, finally official khabar hai, BCCI ne wait khatam kar diya hai aur BCCI ne IPL ka schedule announce kar diya hai. Shuruaati 2 hafton ke liye hi abhi tak ye schedule announce hua hai, par koi baat nahi yaar, 2 hafton में कुल 17 मैचेस खेले जाएंगे. तो आज वन बाय वन सारे मैचेस के बारे में देखते हैं, कहां पर कब ये मैचेस खेले जाएंगे, कौन सी टीम मेजबानी करेगी, कौन सी टीम मेहमान बनकर जाएगी, सब कुछ देखने वाले हैं. 17 मैचेस की पूरी डिटेल्स आपको मिलने वाली है. तो यार वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, अगर आप आईपीएल के फैन हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना. चलो यार वी विल स्टार्ट राइट नाउ. सो यार गाइस, हम सबको पता है कि 23 मार्च से आईपीएल चालू होने वाला है और अभी जो स्केड्यूल निकल कर आया है 2 हफ्ते का, वो 23 मार्च से 5 अप्रैल तक का निकल कर आया है. एक एक करके सारे मैचेस के बारे में बताऊं तो जो 23 मार्च है, 23 मार्च को पहला मैच होने वाला है सीएसके और आरसीबी के बीच में, जहां पर चेन्नई मेजबानी करने वाली है. दूसरा मैच होगा 24 मार्च को दोपहर को, क्योंकि संडे है 24 मार्च को, तो दोपहर को होने वाला है केकेआर वर्सेस हैदराबाद का मैच, जिसमें कोलकाता मेजबानी करते हुए दिखाई देगी. और 24 मार्च की शाम को तीसरा मैच खेला जाएगा जो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मुंबई में खेला जाएगा. मंडे को बात करते हैं 25 मार्च को, तो 25 मार्च को एक मैच खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में, जो मैच जयपुर में खेला जाएगा. उसके बाद आते हैं 26 मार्च को, 26 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के बीच में मैच होगा जो दिल्ली में होगा. फिर 27 मार्च को केकेआर वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब होगा जो कोलकाता में होगा. 28 मार्च को आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस, बहुत बड़ा मैच होगा, जो बेंगलुरु में होस्ट किया जाएगा. 29 मार्च को होगा सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच, जो हैदराबाद में होने वाला है. आगे बात करते हैं यार अब सैटरडे को 30 मार्च की, तो 30 मार्च को दो मैचेस खेले जाएंगे. पहला मैच होगा दोपहर को किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच, जो मोहाली में खेला जाएगा. और फिर शाम को खेला जाएगा 10वां मैच दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस केकेआर, जो दिल्ली में खेला जाएगा. संडे को बात करते हैं 31 मार्च को, तो एसआरएच और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में पहला मैच खेला जाएगा जो हैदराबाद होस्ट करने वाली है. और फिर उसके बाद शाम को शाम को खेला जाएगा सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का मैच, जो चेन्नई होस्ट कर रही है. अब बात करते हैं 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को जो मैच होगा वो होगा किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में, जो मोहाली में खेला जाएगा. 2 अप्रैल की बात करें तो 2 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी के बीच में मैच होने वाला है, जो जयपुर में होने वाला है. 3 अप्रैल को होने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके का मैच, जो मुंबई होस्ट कर रही है. 4 अप्रैल को होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस एसआरएच का मैच, जो दिल्ली होस्ट कर रही है. और करीब जो 5 अप्रैल को मैच होने वाला है वो है 17th मैच आईपीएल का, और वो आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच में होने वाला है, और आरसीबी होस्ट कर रही है, बेंगलुरु में ये मैच खेला जाएगा. फिलहाल यही है आईपीएल का शेड्यूल जो अभी तक अनाउंस हुआ है. 2 हफ्ते में होने वाले हैं 17 मैचेस और हर एक टीम के लगभग 4 से 5 मैचेस होने वाले हैं. तो अगर आपको शेड्यूल पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना. आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कर देना. मिलता हूं आपसे एक अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.